दोस्तों आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 13 का रिवीजन करने जा रहे हैं। वैसे हम लोग IFSCC में लगभग 7-8 AS है, उसमें से आज हम AS 13 का करने जा रहे हैं। ये दोस्तों ये वीडियो रिवीजन के लिए, रिवीजन पर्पस के लिए है, बस इससे पढ़ने की कोशिश ना करें, बस इसे रिवीजन के तौर पे देखें। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें यार, देर किस बात के, सब्सक्राइब करो। तो ये हम रिवीजन कर ले लिए हैं, ये आगे मेरे चार्ट है, ये सब हम लोग के IFSCC में ये सब पढ़ना है। सबसे पहला AS 1 है, AS 1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, AS 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS 3 भी है कैश फ्लो का जो है, उसके बाद AS 7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, 9 है रिवेन्यू रिकॉग्निशन अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स, 10 है और 13 जो आज हम लोग पढ़ेंगे अभी, और उसके बाद 14 अमलगमेशन का है। तो AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट मींस एन एसेट्स। इन्वेस्टमेंट क्या है दोस्तों, एक एसेट्स है, उसको हम लोग हेल्ड कर रहे हैं, मतलब अर्निंग मनी के लिए कर रहे हैं या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए कर रहे हैं, या तो उसको पर्पस के क्या है मेरा इन एसेट्स है जिसका पर्पस क्या है, अर्निंग मनी है या कैपिटल अप्रिसिएशन है, अदर देन स्टॉक, स्टॉक को छोड़ के। ठीक है दोस्तों, कोई भी एसेट्स जो हम लोग हेल्ड करते हैं वो डिपेंड करता है किस तरह से उसको हेल्ड करते हैं। जैसे हम लोग अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, इसी को अगर हम बिजनेस यूज में हेल्ड करेंगे, बिजनेस में करेंगे जो फिक्स एसेट्स बन गया, इसको AS 10 के अंतर्गत हम लोग AS 10 के अनुसार इसको रिकॉर्ड करते हैं। यही अगर सेल पर्पस के लिए कर दिए तो स्टॉक हो गया, स्टॉक हो गया तो AS 2 में आ जाएगा। और यही अगर अर्निंग मनी और कैपिटल एप्रिसिएशन, अर्निंग मनी और कैपिटल एप्रिसिएशन के कर लिए तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया और AS 13 में आ गया जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका एग्जांपल जैसे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, बॉन्ड, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब हो गया। और इसमें दोस्तों हम लोगों को जो आगे दिखने वाला है, सबसे ज़्यादा जो दिखने वाला है, बस दो ही चीज़ ज़्यादा दिखता है, वो है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है, एक्चुअल प्राइस पेड, हमने उस एसेट्स को एक्वायर करने में कितना एक्चुअल प्राइस किए, कितना उस पर टैक्स दिए। अगर रिफंडेबल है तो फिर ऐड नहीं करेंगे, इफ़ नॉट रिफंडेबल तो ऐड कर देंगे यहाँ पे। फिर एक्सपेंसेस ऑन परचेज पे, एक्सपेंस कितना दिए, इससे आ जाएगा मेरा कॉस्ट। और एक होता है दोस्तों फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू इसको मार्केट वैल्यू भी बोल लेंगे, जो जायज होता है, जो मतलब उचित जायज है। ठीक है दोस्तों, ये तो हम लोग देख लिए, ये दोनों आगे बहुत आने वाला है। कॉस्ट देख लिए कैसे निकालते हैं, फेयर वैल्यू देख लिए किसको बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइप्स में पहला आता है दोस्तों करेंट इन्वेस्टमेंट, और एक आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, जो रियडली रियलाइजेबल हो, रियडली मतलब तुरंत रियलाइजेबल हो, जिसका इंटेंशन टू डिस्पोज ऑफ विद इन 12 मंथ, यानी कि 12 मंथ के भीतर ही इसको डिस्पोज ऑफ कर देना है। ये 12 मंथ कहाँ से देखते हैं, फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन, जब से परचेज किए, एक्वायर किए, वहाँ से 12 मंथ्स के भीतर इसका इंटेंशन होना चाहिए। एक्चुअल में क्या कि उसका नहीं देखा जाता है, बस इंटेंशन देखा जाता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, जो नॉट रियलाइजेबल हो, जिसका इंटेंशन 12 मंथ्स 12 महीना के अंदर डिस्पोज ऑफ करने का ना हो। तो ये देख लिया हम लोगों ने, क्या देखा, करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट में इसका कैसे हम लोग वैल्यू करते हैं। देखिए दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एट कॉस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो ऐड कॉस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे करते हैं। हाउ एवर अगर परमानेंट डिक्लाइन हो रहा है तो उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं और इस डिक्लाइन को PL में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म या करेंट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या आता है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर, जो इस दोनों में लोअर होता है, ए और बी, ये ए है और ये बी है, तो इस दोनों का लोअर जो होता है वो ले लेते हैं। और कितना बार ये दोस्तों होता है कि जैसे पहले मेरे पास था करेंट इन्वेस्टमेंट,
अब उसी को कन्वर्ट करके हम रिक्लासीफाई कर दिए तो लॉन्ग टर्म हो गया। तो उस समय जो वैल्यू होता है क्या होता है वो देख लेते हैं। कॉस्ट और फेयर वैल्यू जिन दोनों का जो लोअर होता है, जैसे यहाँ पे हम देखे थे करेंट इन्वेस्टमेंट का जो हो रहा था वही यहाँ पे होता है। कब होता है? जब करेंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाता है। अगर वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से करेंट इन्वेस्टमेंट में जाता है तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट हम आगे बताएंगे, लोअर ऑफ ये दोनों का जो लोअर होता है वो देखते हैं। कैरिंग अमाउंट क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परमानेंट डिक्लाइन हो रहा है तो उसमें से जो माइनस करने के बाद है, मान लीजिए मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था ₹20,000, उसके बाद परमानेंट डिक्लाइन हो रहा है 2,000 का, तो ₹2,000 लेस कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा? 18,000। तो क्या देखा हम लोगों ने, अगर करेंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जाता है तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिक्लासीफाई होकर करेंट इन्वेस्टमेंट में जाता है तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर में जाता है। इसके बाद बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्लोजर, क्या सब दिखाना डिस्क्लोज करना पड़ता है? डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, किस कौन सा इन्वेस्टमेंट है, करेंट है या लॉन्ग टर्म है, राइट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, अगर शेयर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की तरह, हेल्ड एज शेयर इन मतलब इन्वेस्टमेंट जो है मेरा शेयर है तो उसका फेस वैल्यू भी बताना पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन देखेंगे। प्रैक्टिस मैनुअल पेज नंबर 140, ये आ गया 140। क्वेश्चन नंबर इसमें 56 है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग तुरंत देखा था क्या सब, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, यही हो गया, यही फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन में क्या आप कर रहा है, ये इस कंपनी का नाम है वो इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर में कर रहा है, उसके बाद यहाँ किया था कॉस्ट इतना है, इट ऑल्सो परचेज, ये और परचेज क्या कर रहा है, सिल्वर परचेज कर रहा है और गोल्ड परचेज कर रहा है। तो जनरली सिल्वर और गोल्ड जो परचेज किया जाता है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए किया जाता है, लेकिन किसी के बारे में बोला नहीं है कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, तो हम दोनों दोनों हिसाब से दिखा देंगे। शेयर जो है वो अगर शॉर्ट टर्म, शेयर जनरली शॉर्ट टर्म होता है तो शेयर टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से दिखा देंगे, इस दोनों को दिखा देंगे कॉस्ट पे दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि गोल्ड गोल्ड जो मेरा है, गोल्ड और सिल्वर, इसका कितना हो जाएगा, ये कॉस्ट दिया था गोल्ड का, दिया था 4 लाख और इसका 2 लाख, लेकिन शेयर का कितना हो जाएगा, शेयर का हो जाएगा 2,50,000, 2.5 लाख ये कॉस्ट है, और मार्केट वैल्यू जो है वो 2.25 है, तो विच एवर इज लोअर, 2.25। सिंपल, पहले इसमें प्रोविजन लिखना पड़ता है एज पर AS 13, ये सब करते हैं, फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल शॉर्ट टर्म है तो लोअर लेते हैं, वही सब लिखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो अगला क्वेश्चन भी रिक्लासिफिकेशन से आ रहा है। रिक्लासिफिकेशन में क्या है, पहला क्वेश्चन करेंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में जा रहा है, करेंट इन्वेस्टमेंट से अगर लॉन्ग टर्म में जाएगा तो क्या लेते हैं, विच एवर इज लोअर जो रहता है वही ले लेते हैं। तो यहाँ पे था 20 लाख 25 लाख, तो 20 लाख ले लेंगे, और यहाँ पे है क्या, इन्वेस्टमेंट पर क्लासिफाई रहा है लॉन्ग टर्म, करेंट इन्वेस्टमेंट से ही जा रहा है तो लोअर ही ले लेंगे। उसके बाद ये तीसरा क्या है, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में आ रहा है तो इसका कैरिंग अमाउंट जो होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखिए, जैसे यहाँ पे 18 लाख का था, 12 लाख का हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, 18 18 12 12 हो जाएगा लोअर, क्यों, कैरिंग अमाउंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों 59 क्वेश्चन, इसमें जो है 59 में भी लॉन्ग टर्म्स वही रिक्लासिफिकेशन पे सब क्वेश्चन आगे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टडी मटेरियल में देखते हैं। स्टडी मटेरियल पेज नंबर है 1.68। एक ही क्वेश्चन है इसमें, इसमें बोला है कि 600 लाख का मेड करता है, इन्वेस्टमेंट करता है 600 लाख का, जिसमें से बोलता है कि टेम्प्ररी इन्वेस्टमेंट जो है वो आधा है, 50% है, और
लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म जो है वो आधा है, तो यानी कि 300 लाख हो गया, आधा हो गया 300 लाख, 300 लाख इस दोनों का हो गया। परमानेंट डिक्लाइन, परमानेंट नेचर है, तो